हाँ मैं प्राची से प्यार करता हूँ, I'm madly in love with प्राची। मैं प्राची को प्रपोज करना चाहता हूँ। Yes, I'm crazily in love with प्राची। ये सब किसने किया? प्राची, ये सब मैंने किया, and मैंने सब तेरे लिए किया है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। क्या है, तू तो साल की 365 डे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती है। टूट वैलेंटाइंस डे है तो एक दिन पढ़ाई से फोकस हटाकर प्यार पे फोकस नहीं कर सकती? कट इट आउट प्राची, तेरे दिमाग में सारा दिन बस प्यार का भूत सवार रहता है। ये एज पढ़ाई पे फोकस करने की है, समझी? लेकिन सामने तो मुझे कहा कि एज प्यार पे फोकस करने की है। What? सैम ने तुझे ऐसा कहा? हाँ, सैम ने मुझे ऐसा कहा। देख प्राची, तू मुझसे एज में छोटी है, इसलिए तुझे मेरी एडवाइस माननी पड़ेगी। तू एक काम कर, तू सैम से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर। लेकिन क्यों? सैम तो तेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना? हाँ, मेरा दोस्त है वो, इसलिए तो बोल रही हूँ, सैम से थोड़ा दूर रहा कर। लेकिन अब वो मेरा भी बड़ी हो गया है। जैसे वो तेरा बड़ी है, वैसे ही वो मेरा बड़ी है। एंड आई एम श्योर तू माइंड नहीं करेगी, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं क्यों माइंड करूंगी। लेकिन याद रखना, सिर्फ बड़ी। हाँ, सैम सिर्फ दोस्त है, बड़ी। हाँ, सिर्फ दोस्त, उसके आगे कुछ भी नहीं। सैम ने प्राची से कहा कि ये एज प्यार पे फोकस करने की है। इसका मतलब सैम इज रियली गेटिंग सीरियस फॉर प्राची। क्या हो गया है सैम को? कहीं सैम सच में प्राची को प्रपोज तो नहीं कर देगा? प्राची, सिर्फ दोस्त। या आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी बात